नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2020 की समाप्ति के बाद अब आईपीएल 2021 की तैयारियां बीसीसीआई कर रही है और आईपीएल 2021 में हमें 8 की जगह पर 9 और 10 टीमें देखने को मिल सकती है, यानी कि 9-10 टीमों के साथ आईपीएल 2021 होगा। इसके लिए बीसीसीआई यहां पर विस्तार करना चाहती है, तो हम आपको बताएंगे कि इस 9वीं और 10वीं टीम का कप्तान कौन बन सकता है, कौन सा खिलाड़ी इसमें रेस में सबसे आगे चल रहा है, इसके बारे में हम आपको तमाम जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, आईपीएल 2021 में 10 टीमें लगभग खेलेगी और इन 10 टीमों में से एक टीम गुजरात की भी तय हो चुकी है, क्योंकि गुजरात के अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम है जो कि अब तक का क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है और इस स्टेडियम में यहाँ पर दर्शकों को आराम से जगह मिल सकती है मुकाबला देखने के लिए, जिसके चलते यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक एक साथ मुकाबला देखेंगे, जिसका फायदा सीधे तौर पर बीसीसीआई को होने वाला है, जिसके चलते यहाँ पर तय हो चुका है कि एक टीम गुजरात से रहने वाली है जबकि दूसरी टीम उत्तर प्रदेश से होने वाली है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे इन दोनों टीमों के आखिरकार कप्तान कौन बनेंगे। तो इस समय कप्तानी की रेस में आगे चल रहे हैं दो भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने आईपीएल में पहले भी कप्तानी की हुई है। हम बात कर रहे हैं सुरेश रैना और अजिंक्य रहाणे की, जिन्होंने आईपीएल में इससे पहले भी कप्तानी की है, जहां पर सुरेश रैना ने गुजरात फॉर्चून जायंट की कप्तानी की है तो वहीं पर अजिंक्य रहाणे ने राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी की हुई है। तो दोनों के पास अच्छा खासा अनुभव है कप्तानी का। इसके अलावा इतना ही नहीं, अजिंक्य रहाणे भारतीय टीम के टेस्ट के उप कप्तान हैं, तो इनके पास अच्छा खासा अनुभव मौजूद है और ये टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन भी करवा सकते हैं टीम से। तो वहीं पर सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी कई बार कप्तानी कर चुके हैं और इसके अलावा गुजरात फॉर्चून जायंट्स के लिए 2 बार इन्होंने कप्तानी की हुई है, यानी कि अब इन दोनों खिलाड़ियों में से ही कोई दोनों खिलाड़ी अगर एक टीम आती है तो फिर दोनों में से कोई एक कप्तान होगा, अगर दो टीमें आती है तो दोनों खिलाड़ी कप्तान होंगे। तो दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके हिसाब से अगर 9 और 10 टीमें दो यानी कि नई टीमें जुड़ती है तो फिर आप किसे कप्तान बनाना चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।